अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहांगीर में आप सभी का खैर मकदम। जैसे हम सभी जानते हैं, बेलगाम शहर को स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहला नंबर दिया गया, लेकिन किस बुनियाद पर दिया गया ये भी समझने की बात है। लिहाजा ये पंजी बाबा जो शहर का बिल्कुल मरकजी इलाका है, जो किला तालाब जिस पर करोड़ों रुपये हमेशा खर्चा किए जाते हैं और अक्सर स्मार्ट सिटी की बुनियाद स्मार्ट सिटी के नाम पर किला तालाब का अक्सर जिक्र होता है, और उसके बिल्कुल अगर कोई सटा हुआ इलाका है तो ये पंजी बाबा इलाका है, जिसे शिवाजी नगर भी कहते हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कि महज एक दिन की बारिश में किस कदर पानी यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ पर पंजी बाबा के शहरी यहाँ पर मौजूद है। ये क्या कब से ये मतलब हर साल होता रहता है? 20 वर्ष से चालू चाहिए। आते हैं सभी नहीं देखो जाते हैं यहाँ करते हैं और बोलते हैं आकेश में इतना आए थे न्यूज वाले और सभी बेलगाम वाले और सभी ने आए थे आए थे यहाँ को देखो गए सभी ने कमीशनर में आया था वो बात रखो गया हम करते हैं बोले आया था नहीं तो वो बोले था गए तो आते ही नहीं हर साल आना हो चाहिए। ये सज्जन ने बोलते हैं हर एक आता है, हर एक नेता आता है, हर एक प्रशासन वाला आता है, कॉरपोरेशन वाला आता है, खाली बोलता है क्या होगा आज येगा अभी है काम चालू है डेवलपमेंट चालू है वो है वो, लेकिन अभी तक क्या हुआ नहीं ऐसा चीज़ में जिंदगी कर रहे हैं तकलीफात में पानी में हर साल 2019 में हुआ था आधी के आधे हैरान चुके थे अभी भी ऐसा था यहाँ करवाने आज भी बहुत है वहाँ पूरा पानी भरे से उधर भी गिरते पानी भरे उधर भी गिरते लोगों को आने जाने तकलीफ होती है स्कूल आए बच्चे के स्कूलों को जाने को तकलीफ होती है। हमने पिछले 2 साल में देखा कि कोरोना जैसी मर्ज से पूरी दुनिया दो चार थी, और ख़ासकर अगर पूरे मुल्क हिंद का भी अगर जिक्र किया जाए, लिहाजा तालाब के बिल्कुल पड़ोस में जो ये पंजी बाबा इलाका है यहाँ पर भी कई सारे यानी कि डेंगू के मरीज़ भी पाए जाते हैं, यहाँ पर बीमारियाँ पनपने के बहुत सारे इम्कान हैं, क्योंकि पानी इस कदर अगर घरों में दाखिल होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर स्मार्ट सिटी रैंकिंग में अगर पहला नंबर हासिल हो रहा है तो किस बुनियाद पर हो रहा है, ये भी आवाम को ये स्मार्ट सिटी अफसरान को बताने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं किस कदर घरों में और बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं तो पंजी बाबा जमात के जिम्मेदार यहाँ पर माजिद साहब भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए मसला क्या है? ये पंजी बाबा शिवाजी नगर वीरभद्र नगर लास्ट 5-6 साल से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो तालाब की गटर बना दूँ बोल के गटर विड्थ किए 2.5 या 3.5 समथिंग 3.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके स्मार्ट सिटी वाले बना रहे, लेकिन जो प्रॉब्लम है एज इट इज़ ऐसा ही प्रॉब्लम है। लास्ट 2-3 ईयर्स भी इत्यादि न्यूज़ वाले बेचारे आके दिए थे, जितने भी इसके रिलेटेड डिपार्टमेंट है कॉरपोरेशन है बूढ़ा है वो आके गटर तो ओपनिंग किए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, कहाँ तक काम पहुँचा है, पब्लिक को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अभी भी उससे ज़्यादा घरों में पानी आ रहा है, जो प्रॉब्लम सॉल्व होने का वो प्रॉब्लम उल्टा क्रिएट हो रहा है। तो अनिल बेनके साहब भी ओपनिंग करके आए बाद में आके देखना पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अभी ये पब्लिक 2.5 करोड़ 3.5 करोड़ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करके आपको पब्लिक को क्रिएट कर रहे हैं, तो पब्लिक को सॉल्व करना प्रॉब्लम, हर घर में पानी आ रहा है तो इसको कौन देखने वाले? कमिश्नर साहब भी अभी आके गए, आके जाने के बाद इसका इम्प्लीमेंट होना, इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसका डेवलपमेंट होना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो हर 1-2-3 घंटे पानी मार रहा है और पानी आ रहा है रिवर्स रिटर्न, तो इसका फ़ायदा क्या? स्मार्ट सिटी को अवार्ड मिला, स्मार्ट सिटी वाले आके देखे इधर, हम स्मार्ट सिटी में भी जाके कंप्लेंट किए, हम कॉरपोरेशन में भी जाके कंप्लेंट किए, हम बूढ़ा में भी जाके कंप्लेंट किए, लेकिन आके कौन देखता नहीं, आता है देखता है फोटो करता है लेके जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट होना डेवलप होना ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सभी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, अनिल बेनके साहब से भी रिक्वेस्ट है, MLA साहब से भी आके देखना यहाँ, और कमिश्नर साहब तो अभी आके गए, बूढ़ा ऑफिसर भी आके देखना, आके देख के जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देना, ये हमारे पंजी बाबा शिवाजी नगर
बीरभद्र नगर सभी जमातों से, सभी जो है मोहल्ले वालों से हम आप सबके लिए रिक्वेस्ट है, सब डिपार्टमेंट को। हर साल घर में पानी आता है, हम लोग प्रॉब्लम नहीं आने जाने कब से पूरा पानी भरे तो रहता है, इसका क्या भी सलूशन करो तो अच्छा होता है। हर साल अंदर तक आता है, सभी को तकलीफ हो रही हो। अंदर जो है बारिश की वजह से सारे गटर पूरे पैक हो चुके हैं। कॉर्पोरेशन वालों का ख्याल नहीं है, कॉर्पोरेशन वालों को हजार बार कंप्लेंट करने के बाद में भी जो है सिर्फ आते हैं काम की कचरा जमा से उतना उठा के लेकर जाते हैं। गटर साफ करना, गटर क्लीन करना, ये जो है कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर का काम है और कॉर्पोरेटर का काम है। ये लोग सब जो है कि नहीं उज्ज्वल नगर को नज़रअंदाज करके जो है कि नहीं अपने जो है अपने तवे पर जो है रोटी सेकने को जाने लगे हुए हैं। आज जो है कि पोजिशन उज्ज्वल नगर के अंदर ऐसे है, छोटे छोटे बच्चों को डेंगू का प्रॉब्लम हो रहा है, मलेरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर उनके जान को क्या भी प्रॉब्लम हो तो कौन जिम्मेदार होने वाली है? इसके जो भी अगर कुछ भी नुकसान होगा, बच्चों को क्या भी प्रॉब्लम होगा, क्या भी उनके जान पर आपत होंगे, तो इसकी जो सिर्फ जिम्मेदार जो है कॉर्पोरेशन रहेंगे। आज हमारे कॉर्पोरेटर सब कहाँ हैं? आगे देखने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं, सिर्फ वोटों के अवसर उतना चाहने वाले, वोट डालो मैं सब करके जीतूँ, मैं सब यहाँ करके ये करके जीतूँ करके। आज कहाँ है उन्होंने? आज पूरी अवाम पूछने लगी, आज पूरी पब्लिक पूछने लगी, आया मैं नहीं पूछने लगे सर। बोलो भाई कौन कौन पूछ रहे तो बोलो। कौन नहीं आ रहे? देखो कॉर्पोरेटर साहब नहीं आ रहे, कौन भी नहीं आ रहे, पानी पूछ रहे अंदर, जरा बोलो जरा। हमारी ये स्कूल को जाने के लिए बच्चों के अस्तर रास्ता नहीं है, घर कुछ भी औरतें लाने को जाने का रहता है उनके अस्तर क्या भी रास्ता नहीं है, मस्जिद है यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाने का रहता तो गंदे पानी में उंगल को जाना क्या है। आज आज उज्ज्वल नगर की तरफ ये लावारिश हो गया है उज्ज्वल नगर। आज हमारा बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे आदमी बोल को हमें जीता को ला को दिए, मगर जो है कि नहीं आज उन्होंने हमारे जो है हमारे जो है कि नहीं उम्मीदों पर पानी फेरे हुए हैं हमारे। उज्ज्वल नगर बलगाम उज्ज्वल नगर मेन रोड पे जो क्रॉस गए सो है 8, 9, 10, 11, 12 क्रॉस तक पूरा रोड के ऊपर पानी है, गटर में का पानी पूरा ऊपर आ रहा है। कॉर्पोरेशन वालों ने कुछ ध्यान दे रहे नहीं और इधर आके देख रहे नहीं, कुछ पानी निकालने वाले कोई है नहीं, आगे एक रास्ता बना के पानी निकालना चाहिए, निकालने को तैयार नहीं है। उनको 10 टाइम कंप्लेंट किए सो है पानी इधर रुक रहा है बोल के, तो भी करने को तैयार नहीं बच्चों। तो पानी इतना भर के बैठे है, इधर कॉर्पोरेटर भी आता नहीं या बंजी ऐसा कोई भी आता नहीं, साफ करने के लिए कोई भी नहीं है इधर, और कोई आके देखने को तैयार नहीं है इधर। और पूरा पानी हमारे बच्चों स्कूल को कैसा जाना, हम कैसा भेज देना, और बीमारी फुल चालू है इधर, डेंगू चालू है, और ऐसे बच्चे ऐसे पूरा बीमार पड़ रहे, इसका कौन इंतजाम कर रहा है? कौन कॉर्पोरेशन थोड़ा तो ये कर रहा है इधर, कहाँ पा रहा है इधर पूरा ऐसा पूरा आ रहा है, गटर को ये साफ करने वाले नहीं है, अंदर पूरा कचरा भरा रहा है, वो ब्रिज है वो ऊपर उठा के देव करके कंप्लेंट किए थे कॉर्पोरेशन वालों को, कुछ करने को तैयार नहीं कॉर्पोरेशन वाले। ये देखो ना इतना अभी अभी घर थोड़ी पानी अंदर थोड़ी पानी घुसा हुआ है,
कोई भी आके देखने को तैयार नहीं। कॉर्पोरेशन वाले बुलाए तो आज बुलाए तो आठ दिन के बाद में आके देख के जाता है वो, कोई भी आके देखने को तैयार नहीं। पानी नहीं रहे टाइम को ऊपर ऊपर का काट के जाता है वो अंदर का कचरा काटने को तैयार नहीं। इधर इतना कचरा पड़े है, हमारे कारपोर्टर कहाँ है? हमारे कारपोर्टर कुछ देखते नहीं, यहाँ का कुछ सुनते नहीं, गटर साफ करते नहीं, गटर कचरा ऐसा रहता है ना। कारपोर्टर ना कार्यकर्ता आते ही, कार्यकर्ता को 10 बार बोले तो भी हाँ करते ही बोल कुछ जाते ही, उन्हें भी नहीं करते गटर साफ। तो हमें क्या करना है? ऐसा पानी आ रहा है, बच्चे स्कूल जाने वाले करने वाले, ऐसा गंदे पानी में कैसा जाने का, कैसा आने का? देखो गटरा भर को जा रहे हैं और बारिश के पानी पूरा रोड पर है और बच्चे स्कूल जाने का है और सांपा कीड़े मकोड़े घर में घुसने लगे हैं। ऐसा करने का बच्चे आ रहे नहीं और बाहर अभी आए तो तकलीफ है, बच्चे गटरा में पवा जा रहे हैं। ज़रा कॉर्पोरेशन वाले, ज़रा हमारे कॉर्पोरेटर साहब भी ज़रा यहाँ ध्यान देना और कॉर्पोरेशन वाले भी ज़रा यहाँ अपने गटरा काटने वाले को भेज देना और गटर जरा साफ करना, बहुत पानी पूरा रोड पर आ रहा है।